हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, इस वीडियो में बात होने वाली केवल एक ही शेयर के बारे में, और जो शेयर की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ऑब्वियसली जो न्यूज़ भी यहाँ पे आई है उसको भी हम लोग कवर करेंगे, प्लस उसी के साथ साथ उसके बिजनेस के बारे में भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। प्लस उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को पता है, हमेशा मैं लर्निंग पॉइंट्स आप लोगों को देने की कोशिश करता हूँ, तो वो भी हम लोग यहाँ पे कवर करने की कोशिश करने वाले हैं। सो एक शेयर की बात होगी तो पहले तो डिस्क्लेमर क्लियर रहेगा कि कोई रिकमेंडेशन नहीं कि बाय करो, सेल करो, होल्ड करो, एवरेज करो करके, ठीक है। अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो ये चाहो तो इस चैनल को फॉलो यहाँ पे कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि शुरुआत तो यहाँ पे हम लोग बिजनेस से रिलेटेड ही यहाँ पे करेंगे, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भी आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा, जिस बिजनेस में कंपनी हम लोग को देखने को मिल रही है वो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में एंगेज्ड है, ठीक है। बट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा, देखिए फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस की हम बात करते हैं तो आप सभी लोगों को पता है इमेंस ग्रोथ के चांसेस यहाँ पे होते हैं, ठीक है, गारंटी नहीं होती भाई, ठीक है। तो सबसे पहले इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, काफ़ी मिसकंसेप्शन हम लोगों को काफ़ी सारे लोगों में देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, खास करके जो एकदम जल्दबाजी में होते हैं। मिसकंसेप्शन मतलब क्या, उनको लगता है कि भाई कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में है, मतलब तो भाई गारंटी है पैसा बनेगा, गारंटी वारंटी कुछ नहीं होती है दोस्तों, ठीक है। हाँ, अब ज़रूर यहाँ पे कह सकते कि चांसेस है, ठीक है, आप कह सकते अपॉर्चुनिटी है, हाँ वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकती है वो कंपनी, तो उसमें मतलब बोलते ना कि हाँ कि अपॉर्चुनिटी, मत बोलते ना कि हाँ बढ़ सकती है कंपनी आगे, ठीक है। बट ये इसका मतलब बोलते ना, आप लिख के नहीं बोल सकते कि हाँ करेगा ही करेगा करके, ठीक है। और इसका मैं एक आपको ग्रेट एग्जांपल भी देना चाहूँगा, ठीक है, कौन सा वाला, ड्रोन वाला एग्जांपल। तो ड्रोन वाला एग्जांपल आप सभी लोगों को पता है एक कंपनी ऐसी है जो कि मतलब रॉकेट ही बनती जा रही, कौन सी, ज़ेन टेक्नोलॉजी, और दूसरी एक और ड्रोन वाली कंपनी है, मतलब ड्रोन से रिलेटेड ही काम करने वाली कंपनी है, कौन सी, आइडिया फोर्ज। तो आइडिया फोर्ज हम लोग को नीचे ही जाते हुए देखने को मिल रही है, मतलब आप इन दोनों के चार्ट पैटर्न देखोगे ना, ये वीडियो कोई ज़ेन टेक्नोलॉजी या फिर आइडिया फोर्ज से रिलेटेड नहीं है, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता रहा हूँ कि देखिए इसका चार्ट पैटर्न देखिए एक साल का कहाँ से कहाँ चला गया, और दूसरा कंपनी देखिए नीचे, दोनों सेम ही है, दोनों फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में ही काम कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों। ये मैं इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों का मतलब एक वो मिस कंसेप्ट दिमाग में बैठ चुका है कि भाई फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है मतलब भाई गारंटी है पैसा बनेगा करके, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को शब्द बताया कौन सा, कि अपॉर्चुनिटी है, अभी वो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा कौन उठाएगा वो देखने वाली बात है भाई, ठीक है। तो ये चीज़ें पहले तो दिमाग में फिट करो, ऐसा नहीं कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस की बात करें मतलब पैसा बनेगा ही करके, ठीक है, वो देखना पड़ेगा कि वो कंपनी क्या काम करती है करके, ठीक है। अभी जिस कंपनी की हम लोग बात करने वाले हैं वो काफ़ी समय से एक ही दायरे में फंसी हुई है, ऐसे ऐसे ही चल रही है, क्यों, क्योंकि उसको लगातार बिजनेस मिलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी है, मार्केट भी है, ठीक है, बट ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो जो कंपनी की हम बात करने वाले दोस्तों, जो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी है, ठीक है, उसी के साथ साथ ये भी कंपनी ड्रोन में यहाँ पे काम करते हुए देखने को मिल जाती है, कौन सी कंपनी, जिसका नाम है रतन इंडिया एंटरप्राइज लिमिटेड। इसके पहले भी हम लोग इसको कवर यहाँ पे कर चुके हैं, ठीक है। प्राइस भी देखकर कभी भी यहाँ पे मोटिवेट होना नहीं होता है, हमेशा बिजनेस देखकर ही आप लोगों ने स्टडी करना होता है कि कंपनी आपको कैसी लगती है करके। सो काफ़ी एडवांटेजेस भी होते हैं, काफ़ी डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, सारी चीज़ों को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, स्टडी पर्पज़ के हिसाब से। तो सबसे पहले न्यूज़ को कवर कर लेते हैं, ठीक है। 30 जुलाई की खबर क्या है कि रतन इंडिया एंटरप्राइज ने अनाउंस किया है दैट कि उनका इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आर्म बोले तो सब्सिडरी, ठीक है, रिवॉल्ट मोटर करके, ठीक है, जो कि रिसेंटली उन्होंने 100% स्टेक इसमें यहाँ पे खरीदा था, हैज़ रिसीव्ड ऑफिशियली अप्रूवल फ्रॉम, आप कह सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी स्कीम्स के चलते, ठीक है, तो क्वालिफाई यहाँ पे हो चुका है, तो अच्छी खबर है, तो इसको आप नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो रतन इंडिया एंटरप्राइज अलग अलग बिजनेस में ये कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। ये जो रतन इंडिया ग्रुप है उसी की हम लोग को एक फ्लैगशिप कंपनी देखने को मिल जाती है, वरना इसके और भी बहुत सारे कंपनीज हैं, रतन इंडिया पावर भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं ये कंपनी किस पे यहाँ पे फोकस करती है, सो फोकस करती है यहाँ पे न्यू एज बिजनेस, जिस उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस करके, ठीक है। इसका एक्चुअल शब्द आप फाइनेंस के टर्म में ऐसा कह सकते हैं, न्यू एज बिजनेस करके, मतलब यही ई कॉमर्स भी है, ठीक है। ई कॉमर्स अभी थोड़ा तो पुराना हो चुका है, अभी न्यू बिजनेस में क्विक कॉमर्स एक नया कॉन्सेप्ट आ चुका है, ठीक है। क्या ये क्विक कॉमर्स में आएंगे, देखने वाली बात रहेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल में है, देन ड्रोन में है, थोड़ा सा अभी हम लोग इसको डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं, इसके वेबसाइट के ऊपर ही आ जाते हैं सबसे बढ़िया वाली चीज़। सो अगर आप इनके वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो इनके बिजनेसेस को आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं इनके बिजनेसेस आपके सामने रखना चाहूँगा, तो ये वाला बिजनेस आप देख सकते हो, कोको ब्लू करके बिजनेस है इनका, ये रिटेल सेगमेंट से रिलेटेड इनका बिजनेस है, ठीक है। एंड रिटेल सेगमेंट से रिलेटेड अगर आप चेक करोगे पूरा चीज़ों को यहाँ पे पढ़ सकते हो, इनके अलग अलग ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप भी है, आप देख सकते हो एलेन सोनी जैसे लेकर रिबॉक भी है, सेलो भी है, बहुत सारी लंबी लिस्ट है, देन पोलो है, देन पेपे जीन्स की अगर हम लोग बात करें, ट्रिम्प की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, फास्ट ट्रैक,
लेविस की अगर हम लोग बात करें, एरो की बात करें, मोची की बात करें, मैक्स, देन उसी के साथ साथ वेन हुसैन की बात करें, पुमा की अगर हम लोग बात करें, देन एसिस की अगर हम बात करें, वन प्लस, ये देखिए ये सारे इनके हम लोग को ब्रांड्स के साथ टाइप देखने को मिल रहा है। एडिडास की अगर हम लोग बात करेंगे, पार्कर है, बाटा है, पीटर इंग्लैंड है, ठीक है, देन मेट्रो है, टाइटन है, जॉकी है, देन कैसियो है, ठीक है, काफ़ी सारे आप लोगों को ब्रांड देखने को यहाँ पे मिल रही है। ये तो हो गया दोस्तों इनका रिटेल से रिलेटेड जो बिजनेस है उसके साथ उन्होंने टाइप किया है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे रिवॉल्ट मोटर, जिससे रिलेटेड आज के दिन खबर देखने को मिली है, ठीक है, ये कौन सा है, ई बाइक से रिलेटेड हम लोग को इनका बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नियो ब्रांड करके इनका बिजनेस देखने को मिल जाता है, ठीक है, ये भी वाला जो बिजनेस है यूजुअली हम लोग को फैशन कैटेगरी में ये काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ, ये देखो इस प्रकार के आप लोगों को अलग अलग फैशनेबल चीज़ें आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। देन वीफिन करके इनका बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, ये वाला भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, जहाँ पे आप लोगों को फिनटेक से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। वहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे इनके टाइप्स है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड के साथ है, IDFC फर्स्ट, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, ठीक है, काफ़ी पॉपुलर नाम आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, येस बैंक, कोटक बैंक, ठीक है। देन अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं नियो स्काई करके, नियो स्काई बोले तो इनका ये जो कंपनी है नियो स्काई, ये कौन सी सब्सिडरी है, ये इनकी येस ड्रोन से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी है। देखो 360 ड्रोन वाला हम लोग को पूरा बिजनेस इनका देखने को मिल जाता है, अलग अलग इंडस्ट्री में इनके ड्रोन इस्तेमाल यहाँ पे किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया जा चुका है, एग्रीकल्चर में है, माइनिंग इंडस्ट्री में यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, सर्वे करने के लिए, मैपिंग करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। देन उसी के साथ साथ इंडस्ट्रीज़ का इंस्पेक्शंस करने के लिए, देन उसी के साथ साथ कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, देन ड्रोन डिलीवरी के हिसाब से चीज़ें का इस्तेमाल यहाँ पे होता है, तो काफ़ी अच्छा बिजनेस हम लोग को ज़रूर इनका देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन उसी के साथ साथ और अलग अलग टाइप के आपको ड्रोन के सिस्टम्स देखने को मिलेंगे, DOPO की अगर हम लोग बात करें, डिफेंडर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इस प्रकार के अलग अलग ड्रोन्स आप लोगों को इनके देखने को मिल जाएंगे। मतलब आपको एक मोटा मोटी आइडिया आया कि इनका बिजनेस क्या है। सो इतना तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि पोटेंशियल तो इस कंपनी में गजब का नज़र आ जाता है, बट इसकी गारंटी नहीं होती कि कंपनी अच्छा ही करेगी करके, वो कितना अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकती है वो देखने वाली बात यहाँ पे रहती है। देन अगर आप चेक करोगे कि रतन इंडिया एंटरप्राइज की बात करें, तो रिसेंटली उन्होंने यहाँ पे अच्छी तेज़ी की दिखाई थी, अभी की खबर नहीं पहले की खबर है यहाँ पे, कि अदानी ग्रीन एनर्जी के साथ उन्होंने ई बाइक से रिलेटेड करार यहाँ पे किया था। देन उसी के साथ साथ टाटा ग्रुप के साथ भी हम लोग को काफ़ी सारे करार देखने को मिलते हैं, टाटा पावर की भी अगर हम लोग बात करें तो ये चीज़ें चलती रहती है। नेक्स्ट बात करेंगे बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट भी आप देख सकते हो, RNS रिजर्व एंड सरप्लस, छोटी ही कंपनी है भाई तो ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, RNS 400 करोड़ 440, फिर बीच में 150 एंड राइट नाउ 672 करोड़ के रिजर्व हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन अगर हम लोग बात करें लॉन्ग टर्म बोरिंग करंटली कंपनी के ऊपर, लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक रुपये का भी कर्जा नहीं, शॉर्ट टर्म मतलब साल भर के अंदर अंदर इसको चुकाना है, 611 करोड़ का कर्जा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की अगर हम लोग बात करें तो ज़्यादा है नहीं, 0.22 ही है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कंपनी काफ़ी छोटे साइज़ की कंपनी देखने को मिल जाती है, एक मिड साइज़ का स्टॉक है, 11,000 करोड़ का ही मार्केट कैप है, तो मिड कैप है मतलब क्या है भाई, इसमें हाँ जोरदार वॉलेटिलिटी आप लोगों को देखने को मिल सकती है, थोड़ा भी नंबर इधर उधर हुआ तो यहाँ पे बड़े प्लेयर ने अगर डिसीजन लिया कि भाई बेचना है करके, तो काफ़ी दिक्कत यहाँ पे हो सकती है करके, तो ये एक रिस्क इन कंपनीज़ में हमेशा यहाँ पे होती है। देन अगर हम लोग बात करें अभी तक कंपनी का PNL कैसे रहा है, तो वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी वॉलेटिलिटी रहती है, प्रॉफिट रहता है, बीच में ही लॉस रहता है, वापस प्रॉफिट यहाँ पे रहता है करके। एंड देन शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे, देखिए रिस्क के एनवायरनमेंट में अगर आप आते हो तो आपको हर एक पैरामीटर में रिस्क ही देखने को मिलेगी। प्रमोटर देखिए 75 के आसपास है, चलो ठीक है, FIS 8.5, DIS को तो ये स्टॉक बिल्कुल पसंद नहीं है ही नहीं, एंड बाकी पब्लिक है, तो इसमें रिस्क तो भर भर के हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, तो आपको रिस्क को यहाँ पे समझना यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, ये कोई गारंटी नहीं होती कि फ्यूचर ओरिएंटेड न्यू एज कंपनी है करके तो यहाँ पे भागेगा ही करके, बट हाँ अपॉर्चुनिटी तो ज़रूर है इस कंपनी में कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है करके, साल भर का परफॉर्मेंस चलो ठीक है, बट आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही रेंज में चलते हुए देखने को मिल रहा है, क्यों, क्योंकि कंपनी को नया कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मिला है, और जब अगर आपको नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, बिजनेस मिलने में मुश्किल होगी, तो कंपनी का शेयर कैसे भागेगा, तो ये दिक्कत यहाँ पे हो जाती है, तो ये चीज़ों के ऊपर आप लोगों को फोकस रखना पड़ेगा। 5 साल में कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाई, ये देखिए तेज़ी आती है, फिर उसके बाद बिल्कुल फ्लैट, ये फ्लैट करती है, नहीं होता कि स्कैम है करके, ठीक है, जैसे चलता नहीं है, जो बिजनेस को नहीं समझते वो बोलते हैं अरे भाई ये तो कंपनी खराब है, चल नहीं रहा है, रोज थोड़ी ना चलेगा भाई, ठीक है, आपको बिजनेस को समझना है कि उनको कॉन्ट्रैक्ट लाने में मुश्किल हो रही है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट लाएंगे तो देखिए स्टॉक वापस भाग गया, रिजल्ट अच्छे आ गए, स्टॉक भाग गया,
तो ये सारी चीज़ें हम लोग को समझ में यहाँ पे आ जाती है। तो उस हिसाब से, उस कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों ने क्या करना है, इस कंपनी को आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सारे मैंने इस कंपनी से रिलेटेड कवर यहाँ पे कर लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बट येस, इसी प्रकार से आप लोगों को कंपनी के बिजनेस को स्टडी करना होता है। अगर आपका स्टडी सही जाता है तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, अगर गलत गया तो लॉस उठाने की भी क्षमता, वो जिगरा भी रखना है यहाँ पे आना चाहिए। तो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने आपके सामने रख दिए। हाँ, डेफिनेटली छोटी कंपनी बट क्लाइंट्स काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। न्यू एज बिजनेसेस में भी कंपनी अच्छा ग्रो करने की कोशिश यहाँ पे कर रही है, और दो तीन बड़े क्लाइंट्स इनके हाथ में लगने चाहिए एंड अच्छा कॉन्ट्रैक्ट भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस क्लाइंट यहाँ पे देखने को मिल गया, बट अगर कॉन्ट्रैक्ट ही अगर छोटा सा अमाउंट वाला रहेगा तो क्या फ़ायदा, ठीक है। तो अगर बड़ा क्लाइंट एंड अगर बहुत बड़ा अगर अमाउंट अगर हाथ में लग जाए तो फिर मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तब जाके वो शेयर हम लोगों को काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को आप मिल जाता है। काफ़ी लोग पूछते हैं सर ये 100 के ऊपर कब जाएगा, तो ऐसा ही नहीं होता कि भाई चलो आज मूड हो गया तो 100 के ऊपर जाते करके, ऐसा नहीं है। वो अच्छा कुछ तो अनाउंसमेंट होना चाहिए कि भाई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ रहे करके, कोई तो बिजनेस मिला करके, अगर नहीं मिलेगा तो भाई 50 तक भी आ सकता है। तो इस प्रकार की चीज़ें चलती रहती है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।